22 दिसंबर 2010 84 साल के महिला की लाश गंभीर अवस्था में 3 दिन तक पड़ी थी। म्यूनिसिपालिटी के लोग आए और उस महिला की लाश ले गए। नूतन, तनुजा, समर्थ, काजोल, इन सबकी रिश्तेदारी तो रही दूर की बात, पर यहाँ पड़ोसियों से भी मरने के 20 साल तक बात नहीं कर रही थी। इस महिला की मौत 1984 में ही हो गई थी, पर कुछ तन्हाई और यादें बाकी थी जिसने जाने में देर लगा दी। इस महिला की कहानी सुनाने से पहले एक छोटा किस्सा सुना देती हूँ। 1992 में जब फिल्म फेयर ने औपचारिक रूप से मैगजीन प्रकाशित करना शुरू किया, तब कंपनी ने एक पोल के जरिए टॉप 10 खूबसूरत हीरोइंस के नाम अपने मैगजीन में प्रकाशित किए। मधुबाला, मीना कुमारी, सुरैया, नूतन, नरगिस, इन सब हसीन एक्ट्रेसेस को पछाड़ कर पहले स्थान पर जिसका नाम था, वो थी नलिनी जयवंत। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई में एक पढ़े लिखे समृद्ध परिवार में हुआ। परिवार का एक भाग फिल्मों में काम करने वालों के विरुद्ध था तो दूसरा भाग खुद फिल्मों में सक्रिय था, जैसे शोभना समर्थ जो नलिनी की चचेरी बहन थी। नलिनी को बचपन से फिल्मों में काम करने का जुनून सवार था, पर उसके पिताजी दादा साहेब जयवंत का मानना था कि फिल्मों में सिर्फ अनपढ़ लोग काम करते हैं। उन्हें फिल्मों से एक गजब चिढ़ थी, इसीलिए बचपन से ही नलिनी मानसिक तनाव का शिकार रही। पिताजी के बार बार हाथ उठाने की आदत से तंग आकर नलिनी ने परिवार से अलगाव कर लिया और 1941 में फिल्म बहन में काम किया, पर मुख्य अभिनेत्री के तौर पर फिल्म राधिका सबसे पहले रिलीज हुई। कुछ समय के बाद इसी फिल्म के डायरेक्टर वी सी देसाई से उनकी शादी हुई और यहीं से उनकी किस्मत चमकने लगी। पर पति के 4-5 फिल्मों में काम करने के बाद 1946 में देसाई गुजर गए और माना जाता है यहीं से नलिनी की तन्हाई की शुरुआत भी हुई। 1950 तक छोटे बड़े फिल्में करने के बाद अशोक कुमार के साथ नलिनी ने समाधि और संग्राम, इन दो फिल्मों में काम किया। ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। नलिनी की खूबसूरती और अदाकारी का जादू घर घर में छाने लगा और यहीं से सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में नलिनी जयवंत का नाम शुमार हो गया। लगातार 10 साल तक इस हसीन अभिनेत्री ने जिन जिन फिल्मों में काम किया वो सभी फिल्में हिट होने लगी। देवानंद, दिलीप कुमार, अशोक कुमार जैसे कलाकारों के साथ नलिनी ने स्क्रीन शेयर किए। 1951 में जादू, नौबहार, संग्राम और समाधि, 1952 में जलपरी और सलोनी, इनके अलावा लकीर, शेरू, शिकस्त, नास्तिक, मुनीम जी, हम सब चोर हैं और मिलन जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली नलिनी के अलावा कौन दूसरी अभिनेत्री हो सकती है। नलिनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर उनका जीवन पैसों के अधीन नहीं रहा। वो उस वक्त की सबसे ग्लैमरस हीरोइन थी, बिकिनी में फोटोशूट करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला नलिनी ही है। कुछ समय के बाद नलिनी ने अपने को स्टार प्रभु दयाल से शादी कर ली और यही उनका सबसे बड़ा गलत फैसला था। उनके पति नलिनी के पैसों पर ही जीने लगे और गर्दिश में चढ़ा नलिनी नाम का सूरज डूबने लगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया, वो काला पानी फिल्म उनके जीवन की आखिरी हिट फिल्म साबित हुई। तब तो उनकी आयु मात्र 32 थी और यही से उनका फिल्मी सफर उतरने लगा। शराब, नशा जैसे आदतों ने उन्हें घेर लिया। कुछ छोटी बड़ी फिल्में करने के बाद उन्होंने 1965 में बॉम्बे रेस कोर्स इस फिल्म से कमबैक करने की नाकाम कोशिश की। फिर 20 साल के बाद 1983 में अमिताभ की मां के किरदार में उनकी नास्तिक फिल्म आई और ये उनके जिंदगी की आखिरी फिल्म रह गई। देवानंद दिलीप कुमार का कहना है कि नलिनी जयवंत उस वक्त की सबसे होनार
और खूबसूरत अदाकारा थी, पर वो अपने निजी जीवन में हमेशा चिंतित दिखती थी और यही सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अकेला रहना पसंद था। परिवार से अलग तो पहले से ही थी, पर प्रभु दयाल के गुजर जाने के बाद नलिनी पूरी तरह से अकेली रहने लगी। पहले और दूसरे पति से उन्हें कोई संतान नहीं थी और अब तो ज़माना भी बदल गया था, पर बेचारी नलिनी जयवंत अपने ज़माने की यादों को सीने में छुपाकर 20 दिसंबर 2010 तक जिंदा रही। नलिनी जयवंत जो एक ज़माने की सुपरस्टार और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी, जिसे लोग दूसरी मधुबाला कहते थे, वो अभिनेत्री अंततः धीरे धीरे लोगों के जहन से उतरने लगी। तो मैं थी आरजे अनामिका, मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।